नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के 9 जुलाई 2019 के एमपी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी .com एवं एमपीजी के डेस्ट मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, इसे अभी एमपीजी के डेस्ट मोबाइल ऐप को हमने 6.0 का अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसे आप अपडेट कर सकते हैं और जिसमें जो भी एरर हो रही होंगी वह आपको नहीं मिलेगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अवार्ड 2019 के लिए निम्न में से कौन सर्वे करेगा? अब ये शहर की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता अवार्ड मिलेगा, जिसमें ये भारत सरकार के क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ये सर्वे करने आ रही है हमारी मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में, और यह स्वच्छता अवार्ड 2019 ग्राम पंचायतों के लिए प्रदान करेंगे। आइए जान लेते हैं इसकी डिटेल। तो डिटेल में हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में शहरों की तरह अब गांव की स्वच्छता रैंकिंग भी दी जाएगी और प्रथम स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली की QCI यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, हम इसके बारे में जानेंगे, और 30 अगस्त 2019 तक सभी गांवों में सर्वे करेगी और 2 अक्टूबर 2019 को जो है वो नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसमें सम्मान दिया जाएगा ग्राम पंचायतों को। और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ये भारतीय गुणवत्ता परिषद होती है और इसकी स्थापना 1997 में भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत ने संयुक्त रूप से की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय प्रमाणन ढांचे की स्थापना एवं संचालन करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के जरिए गुणवत्ता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य शामिल है। मध्य प्रदेश में कौन सा संघ ब्रांड नेम सह बीज के नामों से बीजों का उत्पादन करेगा, या कौन सा संघ या संस्थान, ये निम्न में से कौन सा संघ संस्थान ये सह बीज के नाम से बीजों का उत्पादन करेगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ये सहकारी बीज संघ, मध्य प्रदेश जो राज्य सहकारी बीज संघ है इसके द्वारा ये सह बीज के ब्रांड नाम से बीजों का उत्पादन किया जाएगा और सह बीज से मार्केट में आएंगे। और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज संघ अब किसानों को प्रमाणित एवं प्रजनन बीजों का वितरण और विपणन करने के साथ का उत्पादन भी बीजों का उत्पादन भी करने वाला। अभी हाल ही में जो 8 जुलाई 2019 को इसमें सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री सचिन यादव की उपस्थिति में मंत्रालय में एक बैठक हुई थी, उसमें इसका निर्णय लिया गया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम संघ की स्थापना मध्य प्रदेश बीज अधिनियम 1980 ये धारा 18 के अंतर्गत 17 नवंबर 1980 को की गई थी। ये मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की बात हो रही है और इसने अपना कार्य जनवरी 1981 से प्रारंभ कर दिया था और इस बीज निगम के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है, जिसमें से भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सागर और जबलपुर, सतना, ग्वालियर ये इसमें स्थित हैं। और एक बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना दिनांक 21 जनवरी 1980 को की गई थी। ये दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं और इसके अंतर्गत संस्था की दो बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं भी हैं, इंदौर और जबलपुर में कार्यरत हैं इस मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत। दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम अलग है या फिर मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अलग है, इसके बारे में आप डिटेल मिले आपको तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अभी मुझे जैसा मिला, जैसे कि देख रहे हैं आप इस वेबसाइट से मिला मुझे, देखिए आप देखेंगे कि बीज अधिनियम 1966 ये mpssca.org है और इसमें मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की जो ये है 21 जनवरी 1980 को की गई थी, इसके बारे में डिटेल है। और जो मुझे इसमें दोस्तों बुक में मिला वो इसमें शामिल किया, ये मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म विकास निगम, इसमें पहले भी कई क्वेश्चन शामिल किए गए हैं तो ये हम देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में वरिष्ठ कर्मचारियों को कौन से आयु वर्ग के फॉर्मूला के आधार पर सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कर्मचारी हैं या कोई भी कर्मचारी है जिसने 20 वर्ष आयु पूरी कर ली है और 20 से 50 वर्ष तक की आयु के, इसमें जो भी मक्कार जो कर्मचारी होते हैं उन्हें हटाने का फैसला किया है, उसमें 6 जुलाई 2019 को आदेश जारी किया है। जो 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम्र, ये आप देख ध्यान दें, ये 50 से ये मिनिमम है थोड़ा, ये 50 वर्ष की सेवा जिसने पूर्ण कर ली हो, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और 50 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, उन्हें हटाया जा सकता है यदि वह कर्मचारी मक्कार है या काम करने में जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए शासन ने 6 जुलाई 2019 को ये आदेश जारी किया है। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वह तीसरा शहर कौन सा होगा जहां इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वह तीसरा शहर कौन सा होगा जहां इंटीग्रेटेड ट्रैफिक, ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम के बारे में हम देखते हैं, ये ग्वालियर में तीसरा शहर होगा और यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा और यह अक्टूबर 2019 में लागू किया जाएगा और यह पहले से भोपाल व इंदौर में लागू किया जा चुका है। इसे पूर्व में स्मार्ट सिटी के नियंत्रण में रखा जा रहा था लेकिन अब बेहतर उपयोग के लिए अब से यह पुलिस के नियंत्रण में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पुलिस के नियंत्रण में रहेगा, पहले ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था उसके अंतर्गत रखा जा रहा था लेकिन बाद में ऐसा निर्णय लिया गया। और इस सिस्टम में रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर, रेड लाइट जंप करने वाले को वाहन का नंबर व चालक का फोटो स्वतः रीड कर लेंगे, वाह, ये इसमें सिस्टम होगा, ये इसकी उद्देश्य होगा। और हमारे जो पुलिस महानिदेशक हैं वो बीके सिंह हैं मध्य प्रदेश के। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश से शहर के खिलाड़ी आलाप में, माने कौन से शहर के खिलाड़ी, ये कौन से शहर के खिलाड़ी आलाप मिश्रा ने अफ्रीका में आयोजित डी आईवरी इंटरनेशनल 2019 में स्वर्ण पदक जीता। ये बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है और मध्य प्रदेश के कौन से शहर से, ये उज्जैन शहर के हैं आलाप मिश्रा। इन्होंने ये अफ्रीका में आयोजित डी आईवरी इंटरनेशनल, ये अफ्रीका के आईवरी कोस्ट में BWF कोटे डी आईवरी इंटरनेशनल 2019 में शहर के इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आलाप मिश्रा ने उत्तराखंड, अपने देश के उत्तराखंड के ही राज्य के रहने वाले स्टार प्लेयर में जूनियर में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी रह चुके चिराग सेन को हराकर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ये स्वर्ण पदक जीता है। और आलाप मिश्रा जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से आते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री अव्याहत पेंशन योजना में कितने वर्ष से अधिक उम्र की अव्याहत महिला को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों जो जन्म भर अव्याहत रहती हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है और इसमें मुझे जो डिटेल मिली है उसके बारे में देखते हैं कि 50 वर्ष उम्र हो जाएगी उन महिलाओं के लिए दोस्तों अव्याहत पेंशन योजना प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई लेकिन 50 वर्ष की ये कौन सी BPL होगी या क्या होगी इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है दोस्तों, डिटेल आएगी तो आपको बताएंगे दोस्तों। और ये इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा या विधवा परित्यागता जो अपने पति को छोड़ देती हैं उसे पेंशन योजना लागू की गई है इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। और 18 वर्ष से अधिक किंतु 39 वर्ष की आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लेकिन BPL में इनका नाम की बाध्यता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी BPL की बाध्यता जो वार्ता समाप्त की थी मध्य प्रदेश शासन ने लेकिन अभी वेबसाइट में अपलोड मतलब अपडेट नहीं हो पाई है। और 18 वर्ष से अधिक किंतु 59 वर्ष की आयु की जो परित्याग महिलाएं होती हैं यानी जो अपने पति को छोड़ देती हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हूं उनके लिए है। और दोस्तों इसमें भी जो है BPL की पात्रता ये इसमें निर्णय लिया गया था इसके बारे में। और ऐसे समस्त हितग्राहियों को ₹600 प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है दोस्तों। तो ये गरीबी रेखा के ये इसमें देखेंगे और इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट है दोस्तों pensionsamagh.gov.in इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये अभी इसमें दिया हुआ है और ये सारी जो पेंशन हैं इसमें आप रीड भी कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी दोस्तों। हम अगली पेंशन के बारे में जानते हैं, ये अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मतलब जो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की थी यानी विधवाओं को जो थी उनके सम्मानजनक नाम कल्याणी के नाम से पुकारने के लिए भी आदेश जारी किया गया था और उसमें योजना की पात्रता थी
कि मूल निवासी हो या न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, आयकर दाता ना हो, सरकारी सरकारी कर्मचारी ना हो, ऐसे उसमें नियम थे। और ऐसी पेंशन राशि जिसकी 18 से 79 वर्ष हो उन्हें 600 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया था, और 80 से अधिक उम्र को भी 600 रुपये प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय करने की जो है वो ये योजना लॉन्च की थी दोस्तों। अब हम जानेंगे ये जो कल के अभ्यास प्रश्न था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 जुलाई 2019 से शुरू होगा जन अधिकार कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक माह कब किया जाएगा, तो इसके बारे में आपके द्वारा कई कमेंट किए गए, लेकिन आज का जो टॉप कमेंट इसमें शामिल है आशीष बिरसा के द्वारा किया गया था। इसमें सारी डिटेल उन्होंने जन अधिकार कार्यक्रम के बारे में प्रेषित की, और यह प्रति माह द्वितीय मंगलवार को ये किया जाएगा। और हम जानते हैं आज का क्वेश्चन, और आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जो कौन सा सत्र चल रहा है, यानी 15वीं विधानसभा का कौन से नंबर का सत्र चल रहा है। तो आसान है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा आपको बताना है दोस्तों, और कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको। और दोस्तों इसके जो careerdestacademy.com पर जल्द ही इसके अपलोड हो जाएंगे MCQ पर, और आप हमारे जो ऐप है दोस्तों उसमें कुछ एरर आ रही थी, तो हमने 6.0 वर्जन इसका लॉन्च कर दिया है, उसमें कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। बस थोड़ा मुश्किल से पाँच सेकेंड आपको जो है वो डेटा लोड होने में लगेगा। और दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों, और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Thank you.